हेलो एवरीवन। तो हर एक इंडियन मॉम के लाइफ में जो है वो मंथ में एक बार जो है वो प्राउड फीलिंग वाला मोमेंट आता ही है, वही मोमेंट मैं आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, तो आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं 11 और हम लोग जो है वो जा रहे हैं मेरी बच्चों की स्कूल में। तो वो क्या प्राउड फीलिंग मोमेंट है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी ही। तो अभी हम लोग जो है वो ऑटो से जा रहे हैं क्योंकि उनके पापा को जो कुछ काम था थोड़ा सा, तो इस वजह से उन्होंने हमें ऑटो करके दिया है, तो उसी में हम लोग जा रहे हैं। तो अभी जो है वो हम लोग रास्ते में ही हैं। जब तक हम लोग स्कूल पहुंचते हैं तब तक आप लोग जो है मेरी सवेरे की ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो मैंने आज शेयर की है आपसे वो एंजॉय कीजिएगा। महाराष्ट्रियन थालीपीट की रेसिपी है मेथी की सब्जी की। ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो है वो पहले ऑयल में जो है सिर्फ मेथी डाल दी थी। मेथी को जो है वो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद में उसमें 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच जो है वो तिल और हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा बेसन डाला है। तो इसको जो है वो मैंने अच्छी तरीके से जो है उसे पका लिया है कढ़ाई में। अब मैंने इसमें टोकरी में डाल निकाल दिया है इसको। अब मैं इसमें डालूंगी आटा। तो इसमें जितना आटा हो जाएगा ऑब्जर्व उतना आटा हमें लेना है। याद रहे आटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रोटियों की तरह लग जाता है। तो बस आज यही मैं बनाऊंगी नाश्ते में। और थोड़ा सा नमक जो है वो हमें आटा डालने के बाद में आटे और सब्जी के हिसाब से हमें नमक लेना है। पहले नमक नहीं डाल देंगे हम। तो ये देखिए, चलो अब मैं इसे जो है वो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से दिखता है। तो ये मेरा आटा जो है वो गूंद कर तैयार हो चुका है। तो हमें इसमें अदरक और लहसुन भी डालना है, मैं बताना भूल गई थी। तो किसी भी रेसिपी की जो है वो जान होती है अदरक और लहसुन, जो हमें इसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए किसी भी रेसिपी में। अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल में, तो सब लोग जो है वो आने जाने में लगे हुए हैं। ये देख सकते हो आप, अभी जो है मीटिंग चालू हुई है तो इस वजह से सब लोग दिख रहे हैं। तो अभी हम आए हुए हैं मनु के स्कूल में, तो दोनों की पेरेंट्स मीटिंग है। तो मनु के पापा ने जो है वो हमें बैठा दिया था ऑटो में, तो ऑटो में हम लोग तीनों लोग जो आए हैं, ऑटो ठहरा हुआ है बाहर। अभी आज हमें फटाक से मुझे जो है वो सब कुछ निपट लेना है, सब कुछ टीचर से वगैरह मिल लेना है। और आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो कि मनु के बारे में है, तो वो सब चीज़ें मैं आज आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो कृष्णाली के टीचर से मीटअप करेंगे। तो यहाँ पर है नर्सरी से लेकर सीनियर के जी तक के टीचर बैठे हुए हैं। तो सब पेरेंट्स जो है वो अपने अपने बच्चों के टीचर से जो है मीटअप करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये एक बड़ा वाला सा हॉल है, तो यहाँ पर छोटे बच्चों का मीटअप। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कृष्णाली का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो देख सकते हो आप, मेरी बेटी को जो है, मेरी बच्ची को जो है वो सब सब्जेक्ट में जो है वो A+ A*A* ही मिले हुए हैं। बड़ी ही प्राउड फीलिंग होती है हर इंडियन मॉम को ये सब देखते हुए, है ना? सच्ची में बताना आप लोग मुझे। तो अभी जो है वो कृष्णाली के टीचर से मीटअप कर लिया मैंने। अब हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए, मनु के टीचर से मिलने। तो सबसे पहले मैं मनु के टीचर से बातें कर लेती हूँ, सब कुछ उसका पूछ लेती हूँ और फिर आपको मैं दिखाऊंगी मनु की प्रोजेक्ट वगैरह जो कुछ सब कुछ वो लगाते हैं ना बोर्ड में, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। उन्होंने जो कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं वो सब के सब जो है वो उसके बोर्ड पर लगाए हुए हैं, वो सभी प्रोजेक्ट जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सब कुछ जो है वो खुद बनाती है। ये देखिए, ये है स्काई, फर्स्ट था काइट, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। हर इंडियन मॉम के लिए जो है वो बहुत प्राउड फीलिंग होती है
तो जब भी मैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए जाती हूँ तो मोना के जो है वो 3-4 प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे बोर्ड पर लगाए हुए होते ही है। स्कूल में असेंबली के वक्त जो है वो उसने फर्स्ट रैंक मिली थी उसको, तो उसका बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है वो मैंने मनु के टीचर से भी मेकअप कर लिया, और मनु को जो है ना हमने दिया है वो एक्टिविटी में जो है वो बॉक्सिंग उसके पापा ने सिलेक्ट किया था कि उस वो लड़की है ना, तो उसे उनको लगा कि बॉक्सिंग वगैरह जो है वो उसे आना चाहिए, तो इस वजह से उन्हें उसकी एक्टिविटी जो है बॉक्सिंग ली थी। तो वही वाला सेक्शन यहाँ पर है, ये देखिए वो दोनों यहाँ पे। आज के दिन जो है बच्चों को बहुत मजा करने का टाइम मिल जाता है ना, जैसे वो स्कूल होती है उस दिन तो उनको कुछ नहीं करने को मिलता है, सिर्फ पढ़ाई का ही चालू होता है। तो आज के दिन जो है वो इतना मजाक कर ले, इतनी मस्ती कर लेते हैं सब कुछ। तो अभी इसके बाद में हम जो है वो जाएंगे थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे थोड़ी, तो बच्चों को भूख लगी है, तो यहाँ पर उनकी कैंटीन में अवेलेबल करते हैं वो आज के दिन पेरेंट्स लोगों के लिए। तो वही हम पेट पूजा करेंगे और फिर उसके बाद में घर में जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा का यहाँ का सबमिटिंग का काम ख़त्म हो चुका है, और अभी जो है वो ऑटो वाले हमारे ठहरे हैं बाहर, तो हम लोग जा रहे हैं मनु और कृष्णाली को, जो तो लगी थी उनकी फ्रेंड मिली थी तो वो आगे दौड़कर चले गए, तो बस मैं भी निकल रही हूँ अभी, बस इसके बाद में हम घर जाएंगे। तो वैसे आज सैटरडे है और मंथ में एक बार जो है वो एक सैटरडे को जो इसके स्कूल में मीटिंग होती है, इस वजह से आना पड़ता है। मनु के पापा नहीं आए थे आज हमारे साथ में क्योंकि उनका कुछ काम था, तो बस उन्होंने हमें ऑटो करके दिया था, तो ऑटो से ही आए थे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में नया कुछ लेके। तो अभी मैं आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ, इनकी स्कूल की जो भी बच्चे जो भी प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं ना।